हेलो एंड वेलकम टू दी सिविल स्टडी कैफे। सिविल स्टडी कैफे में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यू वॉचिंग द MPPSC मेंस आंसर राइटिंग डिस्कशन सीरीज विद सिविल स्टडी कैफे। नमस्कार दोस्तों, अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं 2018 का पेपर वन, और पेपर वन में हम डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन ए सारा का सारा, और सेक्शन बी में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चन, जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने डिस्कस किया था रीजनल पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इन मध्य प्रदेश। ठीक है, हमने रीजनल पैटर्न्स के बारे में जाना था, पॉपुलेशन डेंसिटी किस एरिया में कितनी ज़्यादा है और किस एरिया में कितनी कम है, उसके पीछे कॉजेस क्या हैं, उसके पीछे रीजन्स क्या हैं। देखिए, उसमें मैंने क्लियरली क्लैरिफिकेशन किया है वैसे, लेकिन वाई मिस्टिकली उसमें रॉन्ग टाइप हो गया है, हम ये कह सकते हैं, जिसमें हमने बात की थी जबलपुर का पॉपुलेशन डेंसिटी 475, उसमें शायद टाइपिंग है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि 473 है, तो कोई इधर उधर हो भी सकता है जबलपुर में, तो कोई इशू नहीं होगा। हाँ, लेकिन MP का पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 236 है, जो मैंने आपको बताया भी है उसमें, लेकिन उसमें आई थिंक 296 कुछ लिखा हुआ है, तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में है भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब फ्लड अफेक्टेड एरियाज ऑफ इंडिया। इंडिया में जो फ्लड से इफेक्टेड स्टेट्स हैं उनके बारे में हमें डिस्क्राइब करना है, कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां पर बाढ़ आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। भारत की जलवायु मानसून है। ठीक है, भारत में कहीं हमें ज़्यादा बाढ़ देखने को मिलती है, तो कहीं पर हमें ज़्यादा सूखा यानी कि ड्रॉट देखने को हमें मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि भारत की जलवायु जो है वो मानसूनी जलवायु है, कहीं कहीं बारिश होती है, कहीं कहीं बारिश वो नहीं हो पाती है, या फिर कम मात्रा में बारिश होती है। ओके, क्वेश्चन आपसे ये डिमांड कर रहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। यदि आपको स्टेट वाइज के हिसाब से यदि लोकेशन पता है तो आप इसको फुलफिल आसानी से कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ डिस्क्राइब करने के लिए नहीं है। फिर भी हम देख लेते हैं कुछ भारत का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कहाँ कहाँ किस किस एरिया में है। देखिए, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, कश्मीर का कुछ रीजन है। 2014 में कश्मीर में काफ़ी फ्लड्स आए थे और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, 100 साल में सबसे बड़ा फ्लड हम मानते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड में हमें अभी 2013-14 में हमें बाढ़ देखने को मिली। उसके बाद असम में हमेशा आती ही है, वेस्ट बंगाल में हमें देखने को मिलती है, साथ ही साथ में उड़ीसा का रीजन इससे अफेक्टेड है, बिहार में हमें बाढ़ देखने को मिलती है। बिहार में आपको पता होगा जो बिहार का शोक कहलाने वाली जो रिवर है उसकी वजह से काफ़ी फ्लड्स आते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है और केरला में अभी हमें देखने को मिली थी 2018 की बात है, या 2018-19 की ही बात है, जब केरला में फ्लड्स आए थे। मुंबई में भी देखने को मिलता है ना, और गुजरात में भी हमें देखने को फ्लड्स मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा कई और ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बाढ़ आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। अब बाढ़ आने की वजह से लोगों को कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसमें डिस्कस कर लेते हैं। मैं 2 या 3 एग्जांपल्स आपके लिए ले रहा हूँ ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो और ज़्यादा बेटर हो जाए। सबसे पहला है उत्तराखंड बाढ़ 2013, यानी कि उत्तराखंड की जो 2013 की जो बाढ़ आई थी उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड की बाढ़ जून 2013 में आई थी और इससे जान माल का नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ था, है ना, और कई बाढ़ में बह गए थे लोग और हजारों लोग बेघर हो गए थे, है ना, तो इस प्रकार से जान माल का काफ़ी एक भारी नुकसान लोगों को वहाँ पर उठाना पड़ा था। ओके, उसके बाद देखो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, 17 जून 18 जून की बात है, 16-17 जून 2013 को उत्तराखंड राज्य में अचानक मूसलाधार बारिश हुई और ऐसा माना जाता है कि 340 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी उस टाइम पर, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और जल स्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया था, और फिर लगातार बारिश होने की वजह से गंगा यमुना का जल जो था उसका जो स्तर जो था, जल का स्तर जो था वो तेज़ी से बढ़ गया और उसके बाद उसने अपना विकराल रूप धारण कर लिया था। तो इस प्रकार से बाढ़ की सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट हो गई थी। ठीक है,
देखिए, कुछ ऐसा भी माना जाता है कि सरकारी एजेंसियों और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा पहले से व्यापक प्रचार नहीं किया गया था। अभी हमने डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पिछले सीरीज में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि सरकारी एजेंसियां जो हैं वो भी प्रचार प्रसार में कहीं ना कहीं नाकाफी साबित हो जाती हैं, तो उसकी वजह से भी हमें एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ उत्तराखंड के सिनेरियो में हम देख सकते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे इसकी वजह से, जिसमें कुछ और इलाके भी इसमें काउंट कर सकते हैं, जैसे रुद्रप्रयाग था उत्तराखंड के केदारनाथ, है ना, और रामबाड़ा भी था, सोनप्रयाग भी था, चंद्रपुरी भी और गौरीकुंड, है ना, इन सारे रीजन्स को काफ़ी भारी नुकसान इसकी वजह से उठाना पड़ा था। ओके गाइज, देखिए अब इसमें कुछ मुद्दे भी आते हैं, पर्यावरण मुद्दे, जैसे कि पर्यावरणविदों द्वारा, है ना, अवैज्ञानिक विकासात्मक गतिविधियाँ, उनका ऐसा मानना है जो पर्यावरणविद हैं यानी कि जो मौसम के बारे में जानते हैं, पर्यावरण के विशेषज्ञ जो हैं, उनका मानना ये है कि अवैज्ञानिक विकासात्मक गतिविधियाँ बेकार शैली में निर्मित सड़क, है ना, और 70 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं पर निर्मित नए रिसोर्ट होटल्स, है ना, को जिम्मेदार ठहराया गया था इनके द्वारा, और पर्यावरणविदों द्वारा आगाह करने के बाद भी इन पर ध्यान नहीं दिया गया था, ऐसा माना जाता है। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया उत्तराखंड बाढ़ 2013 के बारे में। हम एक दो फ्लड्स और हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें। ओके गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं हम जम्मू कश्मीर की बाढ़, है ना, यानी कि जो फ्लड्स ऑफ जम्मू कश्मीर 2014। देखिए 2014 में, सितंबर 2014 में मूसलाधार बारिश हुई थी मानसूनी वर्षा बारिश के कारण, है ना, जिसकी वजह से यह जम्मू कश्मीर तक ही सीमित नहीं थी और पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर, गिलगित, है ना, बल्तिस्तान और पंजाब प्रांतों में भी व्यापक, है ना, इसका असर देखा गया था और लगभग 200 लोग और 450 से ज़्यादा गांव जल, है ना, एक तरह से जल समाधि ले चुके थे, यानी कि वो जलमग्न हो गए थे, पूरी तरह से डूब चुके थे बारिश के पानी के कारण। तो ये हमने देखा। उसके बाद देखो इसकी उत्पत्ति क्या थी, वही नॉर्मल भारत में मानसून का अंतिम चरण था, उसकी वजह से काफ़ी मूसलाधार बारिश हुई थी और उसकी वजह से ये बारिश हमें देखने को मिली, जिसकी वजह से काफ़ी एक बड़ी मात्रा में बाढ़ आई थी। ठीक है, और भी कुछ रीजन्स इससे अफेक्ट हुए थे, जैसे अनंतनगर था, श्रीनगर, पुलवामा, बारामूला और सोपोर, है ना, पूरी तरह से प्रभावित हुआ और अधिकांश घर पानी में डूब गए थे इसके चलते। ठीक है, और होटल, पर्यटक, 50 से अधिक पुल, है ना, क्षतिग्रस्त हुए और संपत्ति को नुकसान भी हुआ काफ़ी ज़्यादा, राजमार्ग, वाहन, ट्रेनें, है ना, और भी कई प्रकार की जो चीज़ें थीं, इन सबको बाढ़ की वजह से काफ़ी इनको प्रभाव झेलना पड़ा और काफ़ी ज़्यादा प्रभावित ये हुए। ओके, एक और हम फ्लड के बारे में, क्योंकि अभी ये रिसेंटली आया था, तो हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, केरला फ्लड्स के बारे में। ठीक है, ओके, देखिए केरला फ्लड्स 2018, है ना, 2018 में, ये अगस्त 2018 में मानसून के दौरान अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ आ गई थी और केरल में एक शताब्दी में आई सबसे बड़ी बाढ़ ये मानी जाती है ना, यानी कि 100 साल में सबसे ज़्यादा बड़ी बाढ़ इसको माना जाता है। देखिए राज्य के 14 जिलों को हाई अलर्ट रखा गया था और अत्यधिक वर्षा के कारण 35 से 42 बांधों को खोला गया, है ना, और पहली बार इडुकी बांध जो है उसके सभी द्वारों को खोला गया था और उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी, जब आप उसको पढ़ेंगे तो, है ना, आपको ये जानने को मिलेगा। कारण क्या था, देखो जल स्तर बढ़ने के कारण बांधों के सभी द्वार खोल दिए गए। अब जब बांधों के द्वार भी खोल दिए गए, ऊपर से बारिश भी हो रही है, तो वाटर का जो फ्लो है वो ज़्यादा हो गया, है ना, और एक तरह से उसको मैनेजमेंट करने के तरीके या रिसोर्सेस नहीं थे, उसकी वजह से पानी हर जगह फैलता चला गया और इस टाइप से बाढ़ का एक उसने बड़ा रूप ले लिया था। ठीक है, राज्य को रेड अलर्ट पर रखा गया था, है ना, जल शुद्धिकरण यंत्र ठप हो गए थे, जिससे पीने के शुद्ध पानी मिलना बंद हो गया था, है ना, सैकड़ों गांव, सड़कें, हजारों घर क्षतिग्रस्त हो गए थे, रनवे कोचीन पर पानी से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई थी, कोचीन मेट्रो भी बंद रही थी और उसके बाद फिर दक्षिण रेलवे सेवा भी निलंबित कर दी गई थी, राज्य के 80% से ज़्यादा हिस्सों में विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई थी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई थी और सबरीमाला मंदिर जो था, है ना, वहाँ पर ये यात्रा भी उसको रोक दिया गया था। तो इस टाइप से हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया, यानी कि पर्यावरण
पहले क्वेश्चन में हमने सारा का सारा देखा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं भारत में, वो हमने लोकेशंस के बारे में भी जाना, और साथ ही साथ में हमने कुछ फ्लड्स जो आए थे स्टेट्स में जो मेजर फ्लड्स माने जाते हैं उनके बारे में हमने ब्रीफली डिस्कशन भी कर लिया है। ओके, तो इस टाइप से आप बॉडी पार्ट में काफ़ी कुछ एक तरह से मेंशन कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन आपका कैसा है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, साथ ही साथ में कंक्लूजन आपका एक बैलेंस होना चाहिए। कंक्लूजन इसमें कैसा होना चाहिए, कंक्लूजन में आप सरकार कौन कौन सी पॉलिसीज़ को फॉलो कर रही है इन चीज़ों को कम करने के लिए, इस चीज़ पर ध्यान दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, इस टाइप का आपका कंक्लूजन होना चाहिए, यानी कि कंक्लूजन आपका डायनामिक होना चाहिए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या है, मध्य प्रदेश के डोलोमाइट खनन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। देखिए ये हूबहू वही क्वेश्चन है जिस टाइप से हमने अभी पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया था, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, और इसमें भी हमें लोकेशंस बता देना। आपको डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी पता है ना तो काफ़ी है, सफिशियंट है। आप इंट्रोडक्शन एक अच्छा सा लिख दीजिए, कंक्लूजन भी आप एक बैलेंस रख दीजिए, बाकी का आप ये सारा का सारा डाटा जो है वो आप इसमें मेंशन कर दीजिए तो आपका एक अच्छा आंसर हो सकता है। इसमें क्या है, देखो मध्य प्रदेश देश का खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य है ना, और देश में डोलोमाइट के उत्पादन में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान आता है, तो इस टाइप से आप इंट्रोडक्शन अच्छा मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कुछ और देख लेते हैं डोलोमाइट के बारे में। देखिए कुल भंडारण का 82.43 मिलियन टन है ना मध्य प्रदेश में होता है, और देवास में 40 मिलियन टन और छतरपुर में 35 मिलियन टन भंडारण है, यानी कि ये जो दो स्टेट दो डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं इनमें सर्वाधिक डोलोमाइट हमें मिलता है। ठीक है, मध्य प्रदेश देश का खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य है, ये हमें पता ही है, तो इस टाइप से आप एक बैलेंस इंट्रोडक्शन आप मेंशन कर सकते हैं। बॉडी पार्ट में आप लिख सकते हैं डोलोमाइट के क्षेत्र, यानी कि उनके एरियाज कौन कौन से हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जबलपुर में डोलोमाइट मिलता है ना, सीधी में हमें डोलोमाइट देखने को मिलता है, सिंगरौली में भी हमें डोलोमाइट देखने को मिलता है, सतना में देखने को मिलता है, कटनी बालाघाट छिंदवाड़ा, ठीक है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि देवास और छतरपुर में सबसे ज़्यादा हमें एक तरह से देखने को मिलता है, तो देवास और छतरपुर को आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। ओके, अलीराजपुर झाबुआ में भी ये सब हमें डोलोमाइट देखने को मिलता है। ये तो था हमारा थोड़ा सा बॉडी पार्ट, और अब कंक्लूजन हम कैसे क्या करेंगे। देखो इसको सॉप स्टोन पाउडर भी कहा जाता है, और इस प्रकार से आप इसका इम्पोर्टेंस आप कंक्लूजन में मेंशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में भी डिस्कस किया थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन देखो क्वेश्चन की डिमांड ही काफ़ी कम है, तो हमने इसको काफ़ी कम हमने इसमें डिस्कस किया है, इसलिए तो इसमें कोई इशू वाली कोई बात नहीं है। ओके, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड ही हम पर डिपेंड करती है कि हम क्वेश्चन को कितना ज़्यादा डिस्कस करें। ओके गाइज, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, देखो मध्य प्रदेश की मिट्टियों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। सिंपल पूछ रहा है वो, आपको मिट्टियों के बारे में पता है, इसमें दो बातें आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला तो ये होना पता चाहिए आपको कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं, और दूसरा आपको उसकी विशेषताओं के बारे में पता होना चाहिए। यदि आपको ये दो बातें पता है तो आपका आंसर बहुत अच्छा होगा, आपको मार्क्स भी ठीक ठाक मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए मिट्टी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों तथा कृषि फसलों की पैदावार के लिए आधार तत्व है। ठीक है, ये तो हमने इसका इम्पोर्टेंस जाना, अब हम बात करते हैं, ये तो आपका इंट्रोडक्शन हो सकता है, और अब हम बात करते हैं बॉडी पार्ट के बारे में। ठीक है, देखिए बॉडी पार्ट के बारे में सबसे पहले हमें मिट्टियों को मेंशन कर देना है, जैसे काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, छिछली काली मिट्टी, कछारी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी और मिश्रित मिट्टी मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से पाई जाती है। अब एक एक करके हम इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि इसकी विशेषताओं के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, काली मिट्टी। काली मिट्टी देखो मेनली मालवा के पठार में पाई जाती है, लेकिन सतपुड़ा के कुछ भाग तथा नर्मदा घाटी में भी ये इस मिट्टी को हमें देखने को मिलता है, ये मिट्टी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, जिले वाइज के हिसाब से हम बात करें तो अलीराजपुर, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, धार, खंडवा, खरगोन, इंदौर, देवास, सीहोर, उज्जैन, सागर, जबलपुर, होशंगाबाद, शिवपुरी, गुना है ना, इस टाइप के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको पता है मालवा का रीजन और कुछ सतपुड़ा का भाग और कुछ नर्मदा घाटी का रीजन जो है वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप परेशान मत होइए। ओके,
इसकी इसके फीचर्स के बारे में देखते हैं, विशेषताएं। देखो, गेहूं, कपास और ज्वार और तिलहन और दालें, ठीक है, इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी कि मुख्य रूप से ये काफ़ी उपयोगी मिट्टी कहलाती है। और कपास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी ये मानी जाती है। आपने पढ़ा होगा कपास के लिए काली मिट्टी आवश्यकता पड़ती है, तो काली मिट्टी जो है कपास के लिए मुख्यतः काफ़ी लाभदायक होती है। नेक्स्ट पॉइंट, जलोढ़ मिट्टी। देखिए, जलोढ़ मिट्टी भिंड, मुरैना, ग्वालियर तथा शिवपुरी में ये मुख्य रूप से पाई जाती है। प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में ये हमें मिलती है, ठीक है। और विशेषता की बात करें तो मुख्य रूप से सरसों, गेहूं और भी फसलें इसमें होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से सरसों और गेहूं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, छिछली काली मिट्टी। छिछली काली मिट्टी में क्या है, देखो, सतपुड़ा क्षेत्र, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, है ना, इन रीजन्स में छिछली काली मिट्टी हमें देखने को मिलती है। और विशेषताओं की बात यदि हम करें तो गेहूं, कपास और चावल के लिए ये सर्वाधिक उपयोगी मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी में देखो, ये कछारी मिट्टी भिंड, मुरैना, ग्वालियर में ये मेनली पाई जाती है, और चंबल और उसकी सहायक नदियां जो हैं वहां पर भी ये मिट्टी की भरपूर मात्रा हमें देखने को मिलती है, ठीक है। यदि हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो गेहूं की फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होती है, साथ ही साथ में गन्ना की फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होती है, और साथ ही साथ तिलहन की फसल के लिए भी ये लाभदायक मानी जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है लाल पीली मिट्टी, ठीक है। देखिए, लाल पीली मिट्टी मेनली अनूपपुर में मिलती है, मंडला में भी हमें देखने को मिलती है, बालाघाट में भी देखने को हमें मिलती है, साथ ही साथ शहडोल में भी हमें देखने को मिलती है, सीधी में भी मिलती है ना। और प्रदेश का संपूर्ण पूर्वी भाग यदि हम मोटे तौर पर यदि बात करें तो प्रदेश का जो हमारा पूर्वी रीजन जो है ना, संपूर्ण पूर्वी भाग जो है वहाँ पर हमें लाल पीली मिट्टी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसका मुख्य उत्पादन चावल की फसल के लिए किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ में ज्वार की फसलों का भी यहाँ पर इस मिट्टी में उपयोग किया जाता है, साथ ही साथ में बाजरा, मक्का, है ना, इन फसलों के लिए भी लाल पीली मिट्टी का उपयोग किया जाता है। इसमें एक चीज़ और आ जाती है कभी कभार, जैसे लाल इसका रंग जो होता है वो क्यों होता है, किसकी वजह से होता है ना, तो देखिए इसमें फेरिक ऑक्साइड इसमें मिला होता है, यानी कि फेरिक ऑक्साइड की मात्रा की वजह से इसका कारण, ये जो कारण है इसका लाल होने का, ये फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है ना, तो दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी देखो, प्रदेश के अनेक जिलों में मिलती है, मेनली हम डिस्ट्रिक्ट वाइज हम इसको डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कई जगहों पर हमें मिश्रित मिट्टी देखने को मिल जाती है, ठीक है, जिसमें लाल पीली मिट्टी भी होती है, काली मिट्टी भी होती है, दोनों ये मिश्रित रूप से पाई जाने वाली मिट्टियाँ होती हैं, जिनको हम मिश्रित मिट्टी के रूप में जानते हैं, ठीक है। यदि इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो मोटे अनाज के लिए काफ़ी लाभदायक होती है, और मोटे अनाजों में भी मुख्य रूप से मक्का और ज्वार के लिए ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होती है। ओके गाइस, तो इस प्रकार से हमने सारे के सारे क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 हमने डिस्कस किया है, मध्य प्रदेश की मिट्टियों की प्रमुख विशेषताओं बताइए, और क्वेश्चन नंबर 7 हमने डिस्कस किया है, मध्य प्रदेश के डोलोमाइट खनन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, और क्वेश्चन नंबर 6 हमने डिस्कस किया था, भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। देखिए, किसी भी एरिया के बारे में हम की बात कर रहा है, उसके बारे में आपको जो भी पता है, जितना भी पता है, आप उसको मेंशन कर दीजिए, आपका आंसर फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन ऐसे रट्टे फट्टे नहीं मारना है ना, तूफानी नहीं करना है कुछ के कुछ भी, जो भी पता है आप कुछ भी उसमें लिख के आ रहे हैं, थोड़ा सा आप एक ऑफिसर की पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचिए कि आप किस हिसाब से कितना अच्छा आंसर लिख पाते हैं, ठीक है, तो ही आप एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। तो इस प्रकार से गाइस हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए इस स्लाइड में, आगे हम अपनी सीरीज इसी प्रकार से कंटिन्यू रखेंगे। आई होप आपको हमारी सीरीज़ पसंद आ रही होगी, और हमारी सीरीज़ यदि आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कीजिए साथ में, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं कॉन्टैक्ट्स में, स्पेशली जो MPPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जो MPPSC की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं, UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि UPSC के लिए ये जो आंसर राइटिंग सीरीज़ जो है वो एक बेस तैयार करेगी जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए, ठीक है। और साथ ही साथ में इसको जितना हो सके जितना अपने फ्रेंड्स के साथ फैलाइए, क्योंकि ये काफ़ी बेनिफिट आपको देगी। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ के साथ में। जय हिंद।